करनाल जिले के गांव बला की अनाज मंडी में ग्रामीणों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हरियाणा सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जहां तारें ढीली व कमजोर थी, उन्हें बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के अंदर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को हर नजरिए से दुरुस्त कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह चौधरी देवीलाल का सबसे प्रिय गांव रहा है। बला के लोग बड़े चौधरी से काफी लगाव रखते थे, इसी कड़ी में उनका भी गांव से पूरा लगाव है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि किसानों को 10 घंटे से भी अधिक बिजली मिले। बिजली एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा है। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कैसे हो, वह इसके लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को 31 दिसंबर 2018 से लंबित किसानों को ट्यूबवेल के करीब 6200 कनेक्शन शीघ्र ही दिए जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि जेलों में गौशालाओं के संचालन के लिए हरियाणा सरकार बेहतर सुधार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम भी गौ प्रेमी हैं और इसमें सुधार हो, ऐसी हरियाणा सरकार की सोच भी है। आपको बता दें कि सम्मान समारोह के अवसर पर बलागांव के जिला पार्षद अशोक मान का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया, जिसके चलते मंत्री ने इस कार्यक्रम को शोक सभा के रूप में बदल दिया और मंत्री सहित पूरे पंडाल में बैठे लोगों ने अशोक मान को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। देखिए एक रिपोर्ट। क्रम था लेकिन वो पोस्टपोन करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अशोक मान थे, गाँव के बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे और बड़ा अफसोस हुआ है गांव को। मैं भी जब ऐसा गांव, उनका पूरा गांव साथ है, मानों का गांव है, तो ऐसे मौके पे मैं श्रद्धांजलि दे के हमने कार्यक्रम खत्म कर दिया। हमारे बड़े जोर साहब का बहुत पहला गांव था, चौटाला से भी ज़्यादा इस गांव को वो मानते थे जी, और ये गांव भी पूरी तरह उन्हें समर्पित रहा है। तो मैं आज तो उनके घर जाऊँगा जी अफसोस के लिए, फिर जब भी गाँव हुकम करेगा मैं दोबारा। चुटाला साहब, दुष्यंत ने कल कहा है कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है दिल्ली चुनाव के बाद, क्या कहना चाहेंगे आपकी? क्या आदमी का अपना अपना आकलन है जी, डेमोक्रेसी में किसी को कुछ लगे किसी को कुछ लगे, कभी हस्बैंड वाइफ भी सबसे नजदीकी रिश्ता होता है, वो भी हर बात देख रहा है नहीं, डेमोक्रेसी में हर आदमी का अपना नजरिया। और इसके लिए जेलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जेलों में गौशाला को लेकर जो दूसरे के उसको लेकर आगे क्या बढ़ा रहे हो आप? देखिए, गौशाला के जो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि मैं भी उनके साथ हूँ, इन लोगों का हमदर्दी है, मेरी भी उनके लोगों के प्रति हर आदमी का प्रेम है, इसका सोल्यूशन करना चाहेंगे जो भी हमसे बन पड़े। और हरियाणा सरकार सोच रही है कि हम कुछ गौ के लिए कुछ करें। सर, बिजली मंत्री हैं, बिजली की कई तरह की समस्या सामने आ रही है, उसको लेकर क्या आगे करने जा रहे हैं जी? देखिए, मुझे 3 महीने में, मुझे 1 साल, तो मैं 1 साल में आपको परिवर्तन करके दिखाऊंगा। 3 महीने में आपको नजर आ रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ। टेढ़े पोल थे, लूज तारें थी, वो ठीक हो रही है। जब बुआई का टाइम आया, 2 घंटे बिजली फालतू दूंगी किसानों को। अब ट्यूबवेल कनेक्शन जो कई दिन से पेंडिंग थे, 31/18 से उनका अपने 62 ट्यूबवेल, जिनका सब लोगों ने पेमेंट करके उनको हम अभी रिलीज कर दिए। सर, एग्रीकल्चर में 10 घंटे बिजली देने की बात की गई है, वो कब तक लागू हो जाएगी? देखिए, मैं तो इससे भी ज्यादा बढ़ा के सोच रहा हूँ, पर ये सामूहिक फैसले होते हैं, कैबिनेट का फैसले, मैं अकेला इस पे कुछ, हमारे चीफ इंजीनियर से लेना होता है, हमें सीएम से अपना इनपुट लेना होता है, फार्मर्स को कैसा ठीक करे, एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है जिसमें करके निर्णय होता है। और बिजली ऐसा मंत्रालय है कि जो 2.5 करोड़ के सारे लोगों से जुड़ा रहता है, कोई मजदूर है, चाहे जमींदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है। बजट को लेकर क्या बिजली के लेकर कुछ ऐसा? देखिए, अभी बजट आएगा, बजट तो पहले डिस्क्लोज नहीं कराया जाता। आपने देखा ना, सेंट्रल बजट में भी हलवा बनता है, वो खा के फिर उसके बाद बाहर बताते हैं, स्टाफ भी वहीं रोके रखते हैं, बाहर नहीं आता। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।